दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक अपडेट है। देखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने जो महंगाई भत्ता है उसके एरियर के बारे में चिंता जताई है। और बाद में भी हमारे सामने पत्रिका न्यूज है, उसकी अपडेट है, रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ऑन एन एवरेज सभी क्लास के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लगभग कितना महंगाई भत्ता का नुकसान हुआ है, ये डेटा सामने आया है। तो बाद में देखिएगा, जो फोर्थ क्लास के उनको ऑन एवरेज 50,000 का अभी तक नुकसान हुआ है ऑन एन एवरेज। जो थर्ड क्लास के हैं, तृतीय श्रेणी के हैं, उनको लगभग 1,00,000 का, जो सेकंड क्लास के हैं उनको लगभग 2,00,000 का, और जो फर्स्ट क्लास के हैं उनको लगभग 3,00,000 का ऑन एन एवरेज, बकाया सीनियरिटी के हिसाब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। तो हमारे पास डेटा सामने आया है। तो कर्मचारी संघ आए दिन मांग कर रहे हैं कि जो एरियर रहा है पिछला, वो दिया जाए, उसका एरियर दिया जाए डिनर्स लाउंजेस का। तो देखिएगा दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, इसे बताऊँ तो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कोई कम नहीं है मेरे हिसाब से, और जो डिनर्स लाउंसेस है उसका या फिर महंगाई भत्ता जो है वो कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। लेकिन जो सबसे चिंताजनक विषय है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिस कदर से बढ़ा है, आपने देखा होगा कि जो चीज़ें 100 की मिल रही थी 250, 150 मिनिमम रेट ऐसे छलांग लगाया है, 100%, 200% की इन्फ्लेशन बढ़ गई है। और किसी भी परिवार में अगर कोई ब्रेड अर्नर एक है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर होती होगी। और दूसरी तरफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और बड़ी समस्या है, कि मतलब आप काम कर रहे हो, एक्चुअली जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ समर लाइक फील कर रहे हैं, लाइक क्लेरिकल कैडर फील कर रहा है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट ही फील कर रहा है, कि मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो योग्यता या फिर जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए तो उससे भी कम मिल रही है। और आम जन में, आम लोगों में भी मध्य प्रदेश में मेजोरिटी अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन तो समस्या है, दूसरी तरफ समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी है। मतलब सही अमाउंट नहीं मिल पा रहा है कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी पाएँ। तो जो डिनर्स अलाउंसेस का एरियर है, या जितना भी आपके सामने ये डेटा आया है, तो जो कर्मचारी संघ है मैंने इसी को लेकर चिंतित है कि इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ा है, और ऐसे में महंगाई भत्ते है उसका एरियर टर्न ही ना मिल पाना कहीं ना कहीं उनके घर चलाने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या जो एरियर है मिलना चाहिए, या फिर क्या आपकी राय है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।